अगर हिंदू मुसलमान किया जाए या मॉब लिंचिंग किया जाए तो इससे बीजेपी का मनोबल बनता है, आरएसएस का मनोबल बनता है। मोदी जी कहाँ देंगे? मोदी उसको कहा देंगे, मोदी जी देंगे। मोदी जी का कुछ झाड़ू मारने और चाय बेचने का केतली लेके वो बोले चश्मे देंगे, वो कतोले दे दिए क्या, क्या राशन दे दे क्या? मोदी जी का बोलना भी है काले गोबर, गोबर खाएगा गोरो गोबर, ये मुद्दे आएगा मोदी। नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है मुसलमानों के साथ जुल्म का सिलसिला शुरू होता चला आया, और जिस तरह से 2015 के दादरी के मॉब लिंचिंग के बाद लिंचिंग का सिलसिला शुरू हो गया, उस क्रम में एक और जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि सामने आई, क्योंकि त्रिपुरा के खोवाई डिस्ट्रिक्ट में तीन मुस्लिम नौजवानों को गाय चोरी के इल्ज़ाम में पीट पीट कर हलाक कर दिया गया है, मॉब लिंचिंग कर दिया गया। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ पर बिप्लब देव उनके मुख्यमंत्री के रूप में है। जो लोग इस पूरे घटनाक्रम में शिकार हुए उनके नाम है बिलाल मियां, मोहम्मद सैफुल इस्लाम और मोहम्मद जैद हुसैन। अब सवाल ये उठ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले जितने राज्य हैं वहाँ पर मुसलमानों के साथ जिस तरह से जुल्म हो रहा है, और आप ये कह सकते हैं कि जितने भी मॉब लिंचिंग हो रही है उन सब में मुसलमान ही क्यों शामिल है? अभी जो तीन मुसलमानों के साथ जो घटना हुआ उसका आखिर जिम्मेदार कौन है, और क्या उनके परिवार वालों को, उनके परिजनों को इंसाफ कब मिलेगा? तो इन पर आम मुसलमान क्या सोचते हैं उन्हीं के मुद्दे पर लेके बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से 2015 से लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, और वो सभी वही राज्य हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है और जहां पर भारतीय जनता पार्टी बरसर इक्तेदार है। अभी एक त्रिपुरा में एक घटना हुआ जिसमें जो है तीन मुस्लिम युवक थे, नौजवान थे, जिसमें बिलाल हुसैन, बिलाल मियां, फिर उसके बाद जैद हुसैन, ये सभी लोगों को गाय चोरी के इल्ज़ाम में मार मार के पीट पीट कर हलाक कर दिया गया। तो सवाल ये है कि मुसलमानों के साथ ये सब कब तक होता रहेगा, और एज आप जो है एक मुसलमान होने के नाते इन सब चीज़ों को देखते तो क्या लगता है? ये झूठ बात है, गाय चोरी करने के मसले में उसे मारा गया। रह गया बात ये कि मुसलमान को ये गुरु का मामला में मारा जाता है, ये मोदी के सारे आदमी के जुलूम है। आप लोग जब इस खबर को सुन देखते हैं समझते हैं तो क्या लगता है कि यार आखिर हर बार मुसलमान ही शिकार क्यों बनता है? यही तो समझ में नहीं आ रहा है, ये बात को मोदी को सोचना चाहिए। तो एक और हमारे साथ साथी है, तो अभी जैसे कि त्रिपुरा के अगरतला में तीन मुस्लिम युवकों को निशाना बनाया गया गाय के चोरी के इल्ज़ाम में, तीनों को पीट पीट कर मार दिया गया। तो जब मुसलमान के साथ इस तरह से पिछले 2015 से लगातार होता आ रहा है, तो सरकार इस पर कोई कानून क्यों नहीं ला रही? ट्रिपल तलाक पर तो सरकार बड़ा बेसब्री से कानून ला रही थी, इस पर क्यों नहीं ला रही? क्या मुसलमानों का जान का कोई कीमत नहीं है देश में? देखिए, बीजेपी का हर वक्त ये पॉलिटिकल एजेंडा रहा है कि जब भी इलेक्शन होता है तो वो लोग किसी ना किसी तरीके से पोलराइजेशन करने के लिए हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढते हैं। तो आज देखा जाए तो यूपी में 2022 को इलेक्शन है, 2022 में इलेक्शन है, और वहाँ पे बीजेपी सरकार जो है वहाँ पे ऑल इज़ नॉट गुड, वहाँ पे कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि बताया जाता है कि बीजेपी में आपस में ही उन लोग में झमेला है कि कौन इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा। तो ये लोग बस मुद्दा को भटकाने के लिए, आवाम के नज़र से मुद्दा को भटकाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, पोलराइजेशन करते हैं, जैसे आज असम में किया। अब आप देखिए, असम में उन लोगों ने असम के सीएम जो है हेमंत बिस्व शर्मा जी, उन्होंने कहा है कि चाइल्ड पॉलिसी का उन्होंने एक कानून का प्रावधान किया है कि अगर दो चाइल्ड से ज़्यादा किसी का बच्चा हुआ तो उसको सरकारी नौकरी, राशन नहीं मिलेगा। तो ये सब मुद्दा इसलिए किया जाता है ताकि इलेक्शन से भटकाया जाए। इलेक्शन 2023 में होना है, मगर सवाल ये है कि अभी इलेक्शन को काफ़ी दिन बचे हुए, 2 साल बचे हुए। अब सवाल ये है कि हर बार मुसलमान ही शिकार क्यों? अगर मान लीजिए कि मॉब लिंचिंग में जात धर्म नहीं होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लीडर कहते हैं कि इसमें मुस्लिम हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं है, तो फिर भी मरने वाला मुसलमान ही क्यों होता है और किसी दूसरे धर्म के लोगों को शिकार नहीं बनाया जाता? इसलिए कि मुसलमान से उन लोगों को फ़ायदा मिलता है, बीजेपी को, क्योंकि जानता है अगर हिंदू मुसलमान किया जाए या मॉब लिंचिंग किया जाए तो इससे बीजेपी का मनोबल बनता है, आरएसएस का मनोबल बनता है, और इससे बीजेपी को पॉलिटिकल फ़ायदा होता है। इस वजह से ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। आप देख लीजिए, जब से बीजेपी सरकार आई है
लगातार 1 लाख की मौत होती है, कभी गांव हत्या के नाम पे बहुत कोई की, इसी तरीके से मुस्लिम की मौत हुई है। और ये बीजेपी का बस एजेंडा है, इससे असल मुद्दा से भटकाना चाहती है बीजेपी। अच्छा, तो ये पूरे घटनाक्रम में मुस्लिम नौजवान कहाँ देखते हैं अपने आप को कि किस तरह का मसला होता है और उनके साथ क्या परेशानियाँ पेश आती है, मगर फिर भी मुसलमान कानून व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखे हुए हैं। तो कानून व्यवस्था या सुप्रीम कोर्ट या बीजेपी गवर्नमेंट को ऐसा कानून क्यों नहीं ला रही है जिससे ये जो मॉब लिंचिंग की घटनाएँ होती है वो रुक जाए पूरा? देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमान संविधान पर भरोसा करते हैं और जब तक संविधान है तब तक वो डेमोक्रेटिक राइट्स पर लड़ते रहेंगे और उस पर भरोसा करते रहेंगे। और रही बात जहाँ तक बीजेपी की, तो बीजेपी का ये पॉलिटिकल एजेंडा चलता है बस, ठीक है। बीजेपी तो चाहती है कि किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम का एंगल जोड़ दिया जाए कहीं से, ताकि ऑल ओवर द इंडिया में ये इशू एक बड़ा मुद्दा बन जाए और पब्लिक का सारा अटेंशन इस पर चले जाए। अच्छा, तो ये कब तक होता रहेगा, क्या लगता है कब होगा? क्योंकि बंगाल से तो समझिए कि जनता ने उनको भगा दिया, बंगाल में उनका कुछ चला नहीं, मगर फिर भी पूरे देश भर में जो घटनाएं हो रही मुसलमान के साथ उसमें कुछ कमी देखने को नहीं मिल रही है? देखिए, बंगाल की जनता बहुत समझदार है और उन लोगों ने हटाया इसकी वजह है कि जिस तरह से बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता है ममता बनर्जी पर हमला बोल रहे थे, उनके ज़ात पर हमला बोल रहे थे, कह रहे थे कि उन्हें बरमूडा पहन लेना चाहिए था, तो इस तरह का लफ्ज़ जो जब बीजेपी इस्तेमाल करेगी तो ये बंगाल की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करती और इसी का नतीजा हुआ कि आज बीजेपी हार गई और यहाँ से उसका नामो निशान मिटने के कागार पर है। और उम्मीद है कि 2024 के इलेक्शन में बीजेपी हारेगी। ममता बनर्जी हारी, चांसेस है ममता बनर्जी का, वो एक फ्रीडम फाइटर चल रहा है आजकल। जी बिल्कुल। अच्छा चाचा, एक बात बताइए, अभी कुछ काफ़ी सालों से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो मुसलमानों का जो मॉब लिंचिंग है वो बढ़ गया। मॉब लिंचिंग मतलब होता है भीड़ में पीट पीट कर मार देना मुसलमानों को, गाय के नाम पर, गोबर के नाम पर, ये सब चीज़ें। त्रिपुरा में घटना हुआ है जहां पर 3 मुस्लिम युवकों को गाय के चोरी के इल्ज़ाम में ट्रक से निकाल कर मारा गया है और 3 लोग मर गए। तो आखिर सवाल ये है कि ये सिलसिला कब तक चलेगा, क्या मुसलमान की जान ऐसी जाती रहेगी? जब तक बीजेपी ख़त्म नहीं होगा ऐसी चलता रहेगा। आप लोगों को डर भर नहीं लगता ये सब जो घट गया था? जब खुदा से डर, हम लोग तो एक ही आदमी से डरे हुए, खुदा से ऊपर वाले जिस साल में लगता है अलग था क्रम है, मोदी मोदी कितना आए कितने चले गए, उन तो भी देखा जा रहा तो देख तो रहे कर रहे काफी दिनों से। इसे तो बंगाल में उदम गिरे, कितना झूलने लगाए बड़े बड़े लीडर पश्चिम बंगाल में आए, क्या लीजिए लौट हुआ। तो आखिर मुसलमानी क्यों निशाना बनता है, क्या लगता है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है कि मुसलमानी हर बार निशाना बन जाता है इनके? किया जाएगा, हिंदुस्तान का यही नियम है, तब क्या बताए। वही लोग तो मार ला, जैसे अलम ने बोला तो हिंदू लोग तो भी तो मारा जा रहा, दोनों को मारा जा रहा। मोदी जी आए तो सब ज्यादा हो गया क्या? हाँ, मोदी जी आने तो ज्यादा हो गया। मोदी जी कब होगा क्या लग रहा है? देखिए, 1 तारीख तो बोला थी खुल जाएगा, वो ही ना खुल जाएगा। मॉब लिंचिंग के बारे में पूछ रहे, वो कब कम होगा? वो अभी कम नहीं होगा, जब तक 24 में तो ममता नहीं हटाएगी नहीं कम होगा, तब ममता ही उसको हटा सकती है। हाँ, बस ममता तो उतना खात्मा है। अच्छा, एक बात बताए, क्या नाम है तुम्हारा भाई? मोहम्मद इमरान। चश्मा कहाँ से? मोदी जी चश्मे, मोदी जी कहाँ है देंगे? मोदी उसको कहा देंगे, मोदी जी देंगे। मोदी जी का कुछ का झाड़ू मारने और चाय बेचने और किटली लेके वो बोले चश्मे देंगे, वो कतोले दे दिए क्या, क्या राशन दे दिए क्या? मोदी जी का बोल लोगे खाने गोबर गोबर खाएगा गोरो गोबर, या मुझ पिएगा मोदी? मोदी जी बोल रहे मक्खी गुंडा बोल रहा है, जितना चाहे उतना बात क्लियर, रफा दफा बस, और कुछ बनाना नहीं चाहते। यहाँ पे हाथ लगेगा, यहाँ हाथ लगना जरूरी है, ये जुलम कर रहे हैं मोदी। मोदी बचने वाला यहाँ का रहने वाला नहीं, यहाँ मोदी हटना है, सब तरफ से हटना है मोदी, यहाँ से यहाँ भी चले, वहाँ सब तरह गाँव से हटेगा वो। बात बताइए, अभी सुनिए ना मेरे पास, आप बताइए ना, अभी कुछ दिन पहले, अभी 1 रोज पहले घटना हुआ, डॉक्टर लोग मार रहे हैं, किडनी निकाल ले, किसी का हमला निकाल ले, कोई हिसाब निकाल ले रहा है। मोदी करवा रही है, दीदी करवा रही है।
भाई मास्क लगाओ क्या गोरू, हम लोग मास्क लगाएंगे। मोदी 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 बोला करते है, युगी मोदी, युगी बढ़ाओ मोदी को बढ़ाओ, देश बचाओ। अभी एक जगह घटना हुआ कि त्रिपुरा में जहाँ पर 3 मुस्लिम नौजवान को गाय के चोरी के इल्जाम में मार, ये मोदी करवाया है, ये मोदी करवाए है, मोदी मोदी, हम तो बोले मोदी, दीदी कोई नहीं करवा सकता इलाके में, दीदी रहेगी तो दीदी रहेगी, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, बोला तो हम बस एक बार बोल सकते हैं, हमारा दीदी है, दीदी रहेगी बंगाल में, सबसे बड़ा बंगाल में दीदी रहेगी, हर जगह, हर जगह दीदी जा रही है, वहीं पर सत्ता दिखेगा, दीदी हेलीकॉप्टर में जाएगी, दीदी का मुख्य पीएम बना दीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर दीदी 100% इंशाअल्लाह पीएम बनेगी दीदी, नहीं बनी तो क्या बात, देख लिया पर्व कलम में जाइए, हर गांव कुछ नहीं बनेगा, पास है बिस्मिल्लाह सलाम अलैकुम, आप लोग रहमतुल्लाह बरकातहू, बस डर गए मोदी जी से, मोदी हटेगा हटेगा, वो खुद मोदी को बोलेगा, मुसलमान लोग को मार रहा है मोदी करवा रहा है, ये मोदी करवा रहा है मोदी, हाँ तो बोल दिया, और बोलने का कोई कुछ नहीं है, दो रिकॉर्ड बात किया, दो रिकॉर्ड हम दो में फसला, क्लियर क्लियर, आज कुछ नहीं है। कुछ और साथियों से बात करेंगे, कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे, क्या नाम हुआ आपका, नहीं बात कीजिएगा, क्या नाम हुआ चाचा, मोहम्मद असलम, छोड़ चुके असलम जी, अरे कौन बेटा, अभी 2014 से लगातार जो है मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही, मॉब लिंचिंग समझ रहे, जो पीठ पीठ पर मार दिया जाता है, जब मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हो रही है उसमें अभी फिर से 3 मुस्लिम युवकों को पीट पीट कर अगरतला में मार दिया है, खोवाई डिस्ट्रिक्ट है अगरतला त्रिपुरा का, तो ये मुसलमानों के साथ ये कब तक होता रहेगा, क्या देख रहे हैं इनको, देखो जब तक हम लोग का ये मोदी सरकार जो आया है जब से बैठा है हम लोग का देश का तौर तरीका जितने परेशानी है सब उन लोग का वजह है, का सही है, हम लोग को भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी जात बरादर के आदमी है क्या समझे, इन लोग को सबको परेशानी है, कैसे उन लोग को चाह रहा है कहता अपने मुंह से, क्योंकि हमारा मोदी सरकार वो किया, मोदी सरकार वो किया, हम लोग को कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा, देखते हैं हम लोग का देश के लिए ये पार्टी जो है मोदी सरकार है, ये 4 पार्टी है क्या, अमित शाह है, योगी जी है और मोदी सरकार है, उनके पीछे और भी एक आदमी है, कौन कंपनी के इस देश को पैसा उन लोग को बैक इन करने वाले एक आदमी है, और अनिल अंबानी जो भी, हाँ वो भी है, अरे बोलिए ना डर कह रहे, सुनिए नाम नहीं मालूम, ये डरने का सवाल नहीं किया, इसमें डर क्यों, डरेंगे मुसलमान, सुनिए मुसलमान सिर्फ जब डरता तो पहले भाग जाता देश छोड़ करके, उन लोग तो इस देश को छोड़ने के लिए हम लोग को कह रहा है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, जो कहा हम लोग यहाँ जलम नहीं है, हम लोग सब कुछ यहाँ लिए, बीजेपी तो बंगाल से ख़त्म हो गया, तो आप तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि चलो, बेशक बेशक बहुत अच्छा है, नहीं आया है बेशक बहुत अच्छा, और जिस जिस जगह गया है इंसानों को सिर्फ परेशानी का सिवा और कुछ नहीं दिया, वो आज हम लोग का हिंदुस्तान के अंदर पूरा देश को देखिए, जबकि उस देश में इंसान को किस किस आदमी को आराम है, सबको तो परेशानी है, और हम लोग को हर बिरादर का आदमी को, हर आदमी को देखिए एक दूसरे चैन बाय चैन है, सबको कारोबार में परेशानी है, रहन सहन में परेशानी है, आने जाने के लिए परेशानी है, हर चीज़ को परेशानी है, ये जरूरी नहीं है कि हम लोग को मुसलमान को तकलीफ है, नहीं हर जात को परेशान है, चाचा क्या नाम हो आपका, मेरा नाम है शेख फेकू, क्या नाम है शेख फेकू, अरे चुप ना यार तुम तो पूरा तुम ही बोल दोगे, अच्छा एक बात बताइए, अभी अगर अभी त्रिपुरा एक जगह है जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, बिप्लब देव वहाँ के मुख्यमंत्री है, वहाँ पर 3 मुस्लिम नौजवानों को गाय चोरी के इल्ज़ाम में पीट पीट कर मार दिया है, और 3 मुस्लिम नौजवान है गरीब घर के ताल्लुक रख रहे हैं, तो अभी 2014 से लगातार ये कहानियाँ चल रही है कि जो मुसलमानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है, तो ये कब तक चलता रहेगा क्या लगता है, तो कब तक चलेगा, मोदी सरकार बतलाएगा ना हम बतलाएगा, आप लोगों को कैसा ये जो हम लोग को तो सामने आ रहा नहीं कोई, हाँ। सामने आ रहा तो खत्म कर देगा हम लोग, हाँ। मोदी रे जो रे, हाँ। मोदी रे जो रे, हाँ। मुसलमान को काय खत्म कर रहा, हाँ। मुसलमान तो जिंदा है, हाँ। मोदी ममता ही, ममता बनर्जी तो बढ़िया काम करती है, हाँ जो दीदी हम लोग पूरा पश्चिम बंगाल में सब के लिए काम कर, नाम है हम करके दिखाएं, करके दिखाएं, क्या बोल रहे हैं,
मोदी करके सोच रहा ना, हम दिखाएं ऐसा करके, क्या दिखाएंगे, जैसा मुसलमान बेदलाम हो गए, मुसलमान को सर्वनाश कर दे, बात समझ रहे हैं, हो पाएगा क्या? वही तो हो रहा अभी देख रहे, नहीं मुसलमान के पीछे पड़ा हुआ है मोदी, आप कहां का रहने वाला, बड़ी बात कर रहा है, हर जगह से है? बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, सब जगह, समझिए, आप तो मांगे बाप दादा का, दादा का दादा का आप ला के दीजिएगा, हाँ तो मोदी जी हम लोग जो बोला ला के दो, हम लोग कहाँ आते थे, हम लोग दादा को देखा नहीं, तो दादा को देखा नहीं, पर दादा देखा नहीं है, छोड़ी वो सब बात है, वो सब तो पुराना कहानी है, वो सब के इलेक्शन में खत्म हो गया, पुराना कहानी है, अरे यार, अरे भैया नॉलेज कॉलेज में किए हुए हैं, बोलिए नॉलेज में आए, मोदी कहाँ नहीं बोले यहाँ पर ही, तब उसके बाद बताएंगे मोदी को, जय श्री राम बोले ना, वो उसको बोले वो हिंदू मुसलमान भाई हिंदुस्तान जिंदाबाद, हाँ जोनो मोनो गोनो अति नाय भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद ही रहेगा हमारा, कुछ लोगों से बातचीत करने आए थे क्योंकि लगातार जो है जिस तरह से 2015 के बाद से हिंदुस्तान भर में मॉब लिंचिंग, अरे मेरा भाई, हिंदुस्तान भर में मॉब लिंचिंग की कई सारी वारदातें बढ़ती जा रही है जिसमें मुस्लिम नौजवान खास तौर पर उनको निशाना बनाया जा रहा है, और कुछ कुछ जगह पर ऐसी घटनाएं हो रही जहां पर 20-20 साल बाद मुसलमानों को बेकसूर कर बाहर निकाला जा रहा है, बाइज्जत बरी की जा रही है, तो सवाल कई सारे हैं, पहले सवाल तो ये है कि जिन लोगों का 20 साल हुकूमतों ने बर्बाद कर दिया, क्या उनको 20 साल वापस मिलेंगे, क्या उसका मुआवजा दिया जाएगा, अभी जो त्रिपुरा में जो घटना हुई उस पर जो है क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कानून बनाएंगे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी चीज़ों को बड़े संजीदगी के साथ देख रहे हैं, अब सवाल यह है कि मुस्लिम नौजवानों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, तो ये हो गया है कि गाय से आप मुस्लिम नौजवानों को बहुत दूर रहने की ज़रूरत आ गई, क्योंकि गाय के साथ किसी को भी देखा जा रहा है तो गाय को नहीं कुछ कहा जा रहा है या गाय को नहीं हटाया जा रहा है, बल्कि मुस्लिम नौजवानों को निशाना और शिकार बनाया जा रहा है। रजा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए, जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद, और एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रा उसको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया।